नमस्कार दोस्तों, लखनऊ फूडी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चटपटे मसालेदार आलू। ये देखने में तो लाजवाब हैं ही और इनका स्वाद तो बेमिसाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक भुना मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक पैन में 2 टेबलस्पून धनिया लेंगे और 1 टेबलस्पून जीरा, आधा टेबल स्पून काली मिर्च और आधा टेबल स्पून मोटी वाली सौंफ और 5 साबुत लाल मिर्च। इन सब खड़े मसालों को हम 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर भूनेंगे। जब मसालों से बहुत बढ़िया से खुशबू आने लगेगी तो हम हीट को ऑफ कर देंगे और मसालों को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब मसाले पूरी तरह ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें हम दरदरा पीस लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में 5 टेबलस्पून सरसों का तेल लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून कलौंजी डालेंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन डालेंगे और इसे मीडियम हीट पर पकाएंगे। जब हमारा लहसुन लगभग पक जाएगा तब इसमें 1 किलो छोटे वाले आलू डालेंगे। अगर आपको लाल आलू मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इन आलूओं को हम करीब 5 मिनट तक मीडियम हीट पर तेल में भूनेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून हींग डालेंगे। अब इसमें हमने जो कुटा हुआ मसाला तैयार किया था वो करीब 4 टेबलस्पून डालेंगे। करीब 2 टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे और नमक डालकर इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसको करीब 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से पकाएंगे जिससे कि हमारा मसाला पक जाए। थोड़ी सी धनिया डालकर इसको मिला देंगे। अब हमारे आलू सर्व करने के लिए तैयार। चलिए इसको डिश आउट करते हैं। अब हम इन्हें हरी धनिया और कटे हुए हरे मिर्च से गार्निश करेंगे। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ये आलू। इनको आप पूड़ी या पराठे के साथ खाएं तो मज़ा ही आ जाएगा। इन्हें आप चाट की तरह भी खा सकते हैं। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो चखने की तरह भी खा सकते हैं। आज संडे है, आज संडे है तो दारू पीने का दिन है। हर तरह से आपको मजा ही आएगा। ये आलू है ही लाजवाब। और मजा ना आए खाने में तो रपट करिए थाने में। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।